अगर मेरे फैसले की कोई अहमियत ही नहीं है तो फिर मैं इस कॉलेज में बोर्ड मेंबर क्यों? मैं कल ही जाकर रिजाइन कर देता हूँ ना। सॉरी काका सर। मुझे माफ कर दीजिए काका साहब, मुझे आपसे उस टोन में बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूं मगर अपने फैसले पे नहीं। मैं कल ही बोर्ड मेंबर की पोजीशन से रिजाइन कर रहा हूं। जानता ईशा, बचपन से लेकर अभी तक मुझे बहुत प्यार से पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि तू इस मकाम तक पहुंच सके, एस स्टूडेंट से लेके एस टीचर तक। अब तू ही सोच, मेरे बाद ये सब किसका है? तेरा ही तो है शर, तुझे सब कुछ संभालना है। और आज तू बीच राह में मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहा है शर। मैं भी इसे छोड़कर जाना नहीं चाहता काका सर, इसलिए मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। अच्छा चलिए, आप मुझे एक बात बताइए, आखिरी बार हमारे कॉलेज को इकोनॉमिक्स के लिए ट्रॉफी कब मिली थी? नहीं याद है ना? वो इसलिए क्योंकि इस बात को कई साल गुजर चुके हैं। आखिरी बार हमारे कॉलेज के लिए वो ट्रॉफी मैं जीत कर लेके आया था, उसके बाद से भोसले इंस्टीट्यूट में वो ट्रॉफी आज तक नहीं आई है। पिछले 5 साल में हमारे कॉलेज का कोई भी स्टूडेंट यूपीएससी के टॉप 3 में भी नहीं आ पाया, लेकिन सभी में वो काबिलियत है, वो हमारे कॉलेज के लिए वो सब हासिल कर सकती है। और ये मेरा ख्याल नहीं है, ये मेरा यकीन है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि आप उसे हॉस्टल रूम ही नहीं देना चाहते हैं, इसका मतलब आपको मेरे यकीन पर शक है। ऐसे में तो फिर मुझे रिजाइन ही कर देना चाहिए ना। ऐसी बातें कर रहे हैं तो कॉलेज में किसी भी लड़की का होना ना होना मेरे लिए इतने मायने नहीं रखता कि मैं तेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करूं। तेरी पोजीशन को बरकरार रखने के लिए अगर उस लड़की को मुझे हॉस्टल रूम देना पड़े ना, दूंगा मैं, मंजूर है मेरे को। ईशा, तू जैसे बोलेगा वैसे होगा बड़ा, इसलिए रिजाइन करने की जिद छोड़ दे। चलो, मेरे यहाँ आने का मकसद तो कामयाब हुआ, सभी को हॉस्टल में रूम मिल गया, हरिणी का पति भी थोड़ा ठीक ही हो गया, आई डोंट थिंक अब उसे परेशान करेगा। और मुझे पत्नी सेवा करने का परम सुख प्राप्त हुआ, इसके लिए धन्यवाद। शी काई बोलता तुम्हें, पर मैम ये बात तो सच है, आपके यहाँ आने से ना सब कुछ ठीक हो गया। I'm sorry, ma'am. आपका और शान सर का रिश्ता, एक वक्त ऐसा आता है सभी जब किसी चीज से उम्मीद ही टूट जाती है, बस मेरा और ईशान का रिश्ता वैसे ही है। ऐसा क्यों बोल रहे हो आप उम्मीद मत हारिए प्लीज। जब उम्मीद दम तोड़ देती है ना सभी, इट्स टाइम टू मूव ऑन। मैं यहाँ आई, इतने दिनों तक यहाँ रही, लेकिन एक बार भी मेरे इशू ने मुझसे बात नहीं की। जब उसे पता चला कि मैं यहाँ से वापस जा रही हूँ तो उसने बस इतना ही पूछा कि क्या सभी भी आपके साथ वापस जा रही है। बस अब मैं अपने आप को और बेवकूफ नहीं बना। मैम, आप उम्मीद रखें या ना रखें, लेकिन मुझे पूरा यकीन है एक दिन आपके और ईशान सर के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। उम्मीद के सहारे अगर जी रही होती ना पाड़ा, तो आज मेरा बेटा मुझसे दूर नहीं है, आज वो मेरे साथ होता। चलो बाकी की तैयारी भी कर लेती हूँ और आज रात को ही रामटेक भी जो चाहती।
दादा है ना, मैं आज उनकी होने देते हैं सामान। क्या ईशान सर यहाँ आ सकते हैं या मैं कुछ कर सकती हूँ? नहीं 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 नहीं, बात उल्टी पड़ जाएगी। पापा प्लीज हेल्प ना, क्या करूँ मैं? कुछ तो रास्ता दिखाओ, कोई तो हिंट दो, कुछ करूँ कि नहीं करूँ, क्या करूँ? थैंक यू पापा। सभी का कौन? हाँ सभी बोलो। सर अभी आप कहाँ हैं? क्यों पूछ रहे हो? आप बताइए ना प्लीज। कॉलेज के रास्ते में हो, आप बताओगे क्यों पूछ रहे हो? सर वो एक्चुअली आज मैं हॉस्टल शिफ्ट हो रही थी ना, तो मेस के मेंबरशिप फॉर्म पे मैंने आपसे साइन तो करवाया ही नहीं। हाँ तो ठीक है, कल करा लेना। नहीं कल करे सो आज कर, आज करे सो आप। मेरा मतलब है कि किसी एक डॉक्यूमेंट के ना होने की वजह से वार्डन मेरे लिए प्रॉब्लम ना खड़ी करते। ठीक है तो कॉलेज आ जाओ। नहीं सर अब तो नहीं, एक्चुअली वो पिछले बार कुछ गुंडों ने मेरे साथ बदतमीजी की थी ना, तो शाम के वक्त उस रास्ते पर आने से थोड़ा सा डर लगता है मुझे। ऑल्सो शांतनु सर आज मेरे लिए वो फेयरवेल पार्टी दे रहे हैं, तो मैं सोच रही थी कि आपकी वजह से मुझे हॉस्टल में रूम मिला है ना, तो आपको इनवाइट करना चाहती थी और साथ में ये काम भी हो जाता। कमाल है, जो लड़की कल तक मेरी जानी दुश्मन बनी हुई थी आज मुझे पार्टी के लिए इनवाइट कर रही है। हाँ कर रही हूँ इनवाइट। आप मुझे बताइए आप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, या फिर मैं खुद ही ऐसे सुनसान सड़क पर कॉलेज आने का रिस्क उठा लूँ? बात डर वाली कर रही हो तुम, लेकिन तुम्हारी आवाज में बिल्कुल भी डर नजर नहीं आ रहा मुझे। डर नहीं रही हूँ मैं सावधानी बरत रही हूँ। लगता है मिस्टर चिड़के मेरी बात नहीं मानने वाले। ठीक है मैं खुद ही कॉलेज आ जाती हूँ। नहीं नहीं तुम आओ, मैं आ जाऊंगा। ओके थैंक यू। बाबा सभी कोई है नहीं क्या? दरवाजा भी खुला पड़ा। ये सब तुम कैसे कर लेती हो यार? सर आप ठीक है प्लीज बाद में कर लीजिए, ये हेल्प कीजिए ना मेरी। कैसे? वेट ओ गॉड यू आर इम्पॉसिबल। क्या है ये सब? एक सेकंड। के लिए नहीं, आपका यहाँ आना मेरे लिए क्या मायने रखता है आप नहीं जानते। मैं तो तुम्हारे लिए वो डॉक्यूमेंट पे साइन करने के लिए आया था।
खैर तुम्हारी फेयरवेल पार्टी भी है तो मैं डेफिनेटली एक समोसा भी खा ही सकता हूँ, पर तुम इस एंटी क्यों हो रही हो? कितनी खुश हो जाएंगी ना उसे देखकर। फेयरवेल का बैनर रेडी। ईशान, तुम तो क्या? एक सेकंड, काकू वहिनी आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? वो एक सेकंड, ये सब क्या हो रहा है? ईशा वहिनी वापस जा रही है ना, तो शंतनु दादा और सभी मिलके उसे क्या कहते वो डेयरवेल पार्टी दे रहे हैं। फेयरवेल होता है वो? हाँ वही वही, हाँ वो एफ होता है ना फेयरवेल, हमने पोस्टी ना गो। ईशान हमें नहीं पता था कि तुम भी यहाँ पर आने वाले हो, और हम तो घर पे झूठ। हम दोनों घर पे झूठ बोल कर आए। तो प्लीज प्लीज तुम घर पे कुछ मत बताना, नहीं बोलेगा ना? प्लीज 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 ईशान किसी को भी मत बताना। हाँ प्लीज। ये सिर्फ ईशा मैम की फेयरवेल पार्टी थोड़ी है, मेरी भी तो है। अच्छा, पर मुझे किसी ने बताया नहीं, नहीं तो मैं तेरे लिए भी गिफ्ट लेके आती ना। गिफ्ट तो जरूर आते सभी, लेकिन तुम जा कहाँ रही हो? वो सभी ने इसलिए नहीं बताया क्योंकि सभी ये बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि ये सिर्फ ईशा का फेयरवेल पार्टी थोड़ी है, ये तो सभी का भी फेयरवेल पार्टी है, क्योंकि सभी हॉस्टल जा रही है, पर सभी नहीं चाहती थी कि उसे कोई गिफ्ट वगैरह कोई दे, है ना सभी? हाँ, इसीलिए नहीं बताना चाहती। अरे ईशान, ईशान तू यहाँ? What a pleasant surprise! Thank you sir बचाने के लिए। ईशा बहनी ये सभी की तरफ से है आपके लिए। थैंक यू, वेलकम। थैंक यू सो मच, आवर प्लेजर। खूब छान। ईशु such a lovely surprise, बहुत खुश हूं मैं बाड़ा कि तू मुझे सी ऑफ करने आए हैं। आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ी खुशी का दिन है। थैंक यू। एक सेकेंड, आपको कोई गलत फहमी होगी डॉक्टर भोसले, मैं यहाँ पर आपकी फेयरवेल पार्टी के लिए नहीं आया। सभी की कोई जरूरी डॉक्यूमेंट के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा क्योंकि साइन करना था। ईशा, तुम प्लीज उसकी बातों का बुरा मत मानो। मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ, उसका ये गुस्सा ये नाराजगी सिर्फ ऊपर ऊपर से है, वो दिल से तुम्हें बहुत चाहता है, बहुत प्यार करता है तुमसे। शांतनु दादा एकदम सही कह रहे हैं वहिनी, ईशान दिल का बहुत अच्छा है, आप उदास मत होना। डोंट बी मैड सैड। हाँ ईशा काकू प्लीज आप हौसला रखो, देखना एक दिन सब अच्छा हो जाएगा। क्या तुमने मुझे इसलिए बुलाया था? नहीं सर, मुझे सच्ची फॉर्म पर आपका साइन चाहिए था, आप आए उसके लिए थैंक यू सो मच। तो स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं, साइन तो तुम कल भी ले सकती थी, बहाने से बुलाया ना मुझे।
नहीं सर, ऐसा मैंने सोचा भी नहीं। और मैंने झूठ क्या बोला आपसे, मुझे सच्ची मेस के फॉर्म पर आपका साइन चाहिए था। हॉस्टल में शिफ्ट होने के बाद भूखी थोड़ी ना रहती, मेंबरशिप तो जरूरी है ना। जो कि तुम्हें मेरे एक कॉल से आराम से मिल जाती है। समझ में आ रहा है मुझे, तुमने मुझे यहाँ पे बहाने से बुलाया कि मैं तुम्हारी ईशा मैम को जाने से पहले सी ऑफ करूँ, गुड बाय करूँ, है ना। नहीं सर, आप कड़ी से कड़ी जोड़कर मेरे लिए हथकड़ी बना रहे हैं, ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं। ये एक इत्तेफाक था, इनफैक्ट मैंने आपसे कहा था ना मैं कॉलेज आ जाती हूँ, लेकिन फिर आपने कहा। शट अप सभी, क्यों झूठ बोल रही हो तुम? छाती ठोक के बोलो ना कि हाँ मैं झूठ बोल रही हूँ, एडमिट करो। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सच तो यह है कि आपने जो भी मेरे लिए किया, मैं आपको इस दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। अपनी नौटंकी बंद करोगी तुम? मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ तुम्हारा क्या प्लान था, तुम्हारी ये सब चाल थी। तुम ये चाहती थी कि उनके जाने से पहले वो आखिरी बार मेरी शक्ल देख ले। तुमसे मैं पहले भी कह चुका हूँ ना, वो मेरी कुछ नहीं लगती, कोई रिश्ता नहीं मेरा उनके साथ। सब तुम क्यों कर रहे हो, तुम्हें क्या जरूरत है सब करने की? क्या तुम इतनी ब्राइट स्टूडेंट हो, इतनी ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, खास करके मैं तुम्हारी इतनी दिल से रिस्पेक्ट करने लगा हूँ। तुमसे मैंने पहले भी कहा था ना, अभी भी कह रहा हूँ, आखिरी बार कह रहा हूँ, मेरी पर्सनल स्पेस में बिल्कुल एंटर मत करना। हॉस्टल इंस्टीट्यूट में एडमिशन, हॉस्टल रूम में अकोमोडेशन तुम्हें बहुत मेहनत से मिला है सभी, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी इसी आदत की वजह से तुम्हें सब कुछ गंवाना पड़ जाए। और ये मेरी सलाह नहीं है, तुम्हें चेतावनी है, आइंदा से दोबारा ऐसा कभी मत करना। नेवर एंटर इन माई पर्सनल स्पेस। सॉरी मैम, मैं ना एक नंबर की बेवकूफ। मैं जानती थी कि ईशान सर को यहाँ बुलाने से ऐसा कुछ होने का रिस्क हो सकता है, उसके बावजूद भी मैंने उनको बुलाया। आई एम सो सॉरी मैम, प्लीज माफ कर दो। सॉरी मत बोल मारा, बस तू ही समझ रही थी कि जाने से पहले अपने इशू को देखने के लिए मैं कितना तड़प रही थी। तूने मेरी ये तड़प समझी, इसलिए तूने ये सब किया। तूने वो सब कुछ ताक पर लगा दिया, सब जो तेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है, तेरा कॉलेज, तेरी पढ़ाई, तेरा हॉस्टल, सब कुछ। थैंक यू बाड़ा, थैंक यू सो मच। खुश हूं मैं कि जाने से पहले मुझे अपने बेटे की एक झलक दिखाई दी, वो मेरे लिए काफी है। और आपने देखा शंतनु, आज ईशु ने मुझसे बिल्कुल भी बदतमीजी से बात नहीं की, कोई कड़वी बात नहीं बोली, ना ही कोई सीन क्रिएट किया। जब भी मैं तुझे देखती हूं ना सभी, तो मुझे यकीन हो जाता है कि मैं अपनी जिंदगी में अकेली नहीं हूं, तू है मेरे साथ। और वक्त आने पर सब कुछ छोड़कर तू मेरे पास आ जाएगी, आएगी ना बाड़ा? अच्छी आई। थैंक यू। वाली बातें हो गई, अब चलो केक काटते हैं। मैंने इतने प्यार से अपने हाथों से केक बनाया, चलो 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 आ जाओ। एंड वन एंड टू एंड मैं भी आप लोगों को बहुत मिस करूंगी मैम। Thank you, Shanta.
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।